सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले निरीक्षण किया गया है डीएम और कमिश्नर के जरिए। वो वहां पर पहुंचे हैं जिला अस्पताल का, उन्होंने खुद निरीक्षण किया तो डीएम ने अस्पताल के कर्मचारियों को इस दौरान फटकार भी लगाई है। कहा जा रहा है कि कुछ खामियां मिली हैं और इन्हीं खामियों को लेकर फटकार डीएम के जरिए लगाई गई है। तो डीएम ने अस्पताल की व्यवस्था जल्द ठीक करने को कहा है। तो सीएम योगी शाम के वक्त में वहां पर पहुंचेंगे, कोविड-19 के और साथ ही क्वारंटीन सेंटर का उन्हें जायजा लेना है। लेकिन उससे पहले डीएम खुद पहुंचे उन अस्पतालों का निरीक्षण करने जहां जहां सीएम योगी को पहुंचना है। लेकिन काफी खामियां, काफी जो अनियमितताएं हैं वो वहां पर उनको सामने आई और इसके बाद उन्होंने फटकार लगाई है। राजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, कौन से अस्पताल और किस तरह की खामियां यहां पर उन्हें देखने को मिली? देखिए, ये जो हॉस्पिटल है जहां खुद सूबे के मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना पाकर डीएम पहुंचे थे औचक निरीक्षण करने, वहां पर डॉक्टरों की टीम से जब बातचीत की तो वहां पर सफाई को लेकर कोई व्यवस्था साफ नहीं थी। जो कोविड के पेशेंट हैं उनके लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई थी, दावे किए गए थे कागजों पर लेकिन असल टीम पे कुछ भी नहीं था, जिसको लेकर बनारस के डीएम काफी नाराज हुए और खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ से बातचीत कर उन व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द सुधारने की बात कही गई है। हालांकि आज सूबे के मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो इसलिए तैयारियां जो हैं वो पूरी कंप्लीट कर ली गई हैं। जहां भी निरीक्षण हुआ वहां किसी तरह की कोई खामियां ना मिले, इसके लिए खुद वाराणसी के मंडला आयुक्त भी निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। जी चलिए, धन्यवाद आपका राजू हमारे साथ जुड़ने के लिए।